So today we are going to discuss our practical number 7 to determine the partition coefficient of benzoic acid in toluene water system. Before starting how we will perform this experiment, let's first give a brief outline of what partition coefficient is. We have discussed this already in our module 1. I will again brush up that details. Partition coefficient, Rajay, is generally given by a law which is called the distribution law. Distribution law ko hum Nernst distribution law bhi bol dete hain, Nernst partition law bhi bol dete hain, simply distribution law bhi bol dete hain aur partition law bhi bol dete hain. First, let's see what this law defines. This law states that when the added substance is sufficient to saturate the immiscible liquids, जब हम कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं किसमें एक इमिसिबल लिक्विड का सिस्टम है. आई हैव टू लिक्विड्स, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, जो एक दूसरे में इमिसिबल है. एक ऑयल है, एक वाटर है मेरे पास. इसका एक सिस्टम है, इसमें मैं एक कोई थर्ड कंपोनेंट ऐड करती हूँ, ठीक है, एंड दैट थर्ड कंपोनेंट इज सफिशेंट टू सेचुरेट दिस इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है. द थर्ड कंपोनेंट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम इन दीज टू सिस्टम्स, देन द सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द लिक्विड्स इन सच अ वे दैट एट इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द टू लिक्विड्स इज अ कॉन्स्टेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. दैट मीन्स के डी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द ऑर्गेनिक फेज. क्या कंसेंट्रेशन थी मेरे वो एडेड सोल्यूट की इन ऑर्गेनिक फेज, डिवाइडेड बाय क्या कंसेंट्रेशन थी इन द एक्वस फेज. इस लॉ में कुछ लिमिटेशंस है, और यू कैन से व्हाइल डिफाइनिंग दिस लॉ सम अजम्पशंस वर मेड. फर्स्ट, दिस लॉ विल बी फॉलोड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डाइल्यूट सोल्यूशन. जब आप डाइल्यूट सोल्यूशंस के बारे में बात करोगे तभी ये लॉ फॉलो होगा, ठीक है. कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए ये सही वैल्यू आपको नहीं देगा आपके पार्टिशन कोएफिशिएंट की. नेक्स्ट, दिस लॉ विल बी फॉलोड व्हेन यू हैव केप्ट योर टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, पार्टिशन कोएफिशिएंट भी वेरी करेगा आपकी ड्रग का बिटवीन द टू फेजेस. नेक्स्ट, आपके मॉलिकुलर स्टेट ऑफ सोल्यूट इन बोथ द फेजेस. इफ आई एम टेकिंग ऑयल एंड वाटर और कोई भी ड्रग भी उसमें ऐड कर रही हूँ, दैट ड्रग हैज टू बी इन द सेम फेज. वो अगर अनआयनाइज्ड फॉर्म में वाटर फेज में प्रेजेंट है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही वो ऑयल फेज में प्रेजेंट हो, तभी उसका करेक्ट पार्टिशन कोएफिशिएंट आप नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट, यू हैव टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर टू द ड्रग टू अटेन इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम नहीं अटेन होगा आपकी ड्रग का, तो आपकी कॉम्पिटिशन ऑफ पार्टिशन कोएफिशिएंट विल नॉट बी करेक्ट, ठीक है बच्चे. नेक्स्ट, आप जो सिस्टम ले रहे हो दो इमिसिबल लिक्विड्स था, दैट हैज टू बी इमिसिबल. अगर वो आपस में मिसिबल होना स्टार्ट कर देंगे, आपस में मिक्स होना स्टार्ट कर देंगे, तो जो आपका पार्टिशन कोएफिशिएंट है उसके रिजल्ट सही तरह से रिपोर्ट नहीं होंगे. Why temperature has to be constant during computation of your partition coefficient? उसका main factor ये है कि temperature आपका solubility पे बहुत influence करता है. Solubility of your solute will get influenced if you change the temperature. Solubility of the two liquids can change when you change the temperature. So ये आपके factors, or you can say these are the limitations which basically bound your law, जिसके अंडर आपको पार्टिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. व्हाई दीज लिमिटेशंस आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट में लिखते हो सोर्सेज ऑफ एरर. अगर आपको लिमिटेशंस पता होंगी अपने लॉ की, तभी आपको अपने एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन सोर्सेज ऑफ एरर का आइडिया लग सकता है कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट्स, व्हाई माय रिजल्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम what is already reported or what the other student is reporting. Lab में भी हर बैच के different results आएंगे. These might be the reasons जिसकी वजह से ये results differ कर रहे हैं, ठीक है बच्चे. Applications we have already discussed in module 1. I will again summarize here.
partition coefficient holds the application in prediction of your solubility of drug, extraction of drug from biological fluid, कैसे वो extract होंगे, कैसे आपकी drug solubilize होंगी, उसको आप predict कर सकते हो. You can determine the efficient concentration of preservatives, how your preservative will partition between one and the other phase. अगर आप किसी emulsion में किसी preservative को डाल रहे हो, किसी cream में, किसी ointment में preservative को डाल रहे हो, तो आपका प्रिजर्वेटिव कितना ऑयल फेज में रहेगा, कितना वाटर फेज में रहेगा, अगर आपको ये आइडिया होगा, यू कैन इफेक्टिवली कैलकुलेट कि कितनी अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव आप डालोगे. बिकॉज अगर वो अपनी मिनिमम इफेक्टिव लेवल से कम होगी प्रिजर्वेटिव की अमाउंट इन योर फॉर्मुलेशन, तो वो अपना इफेक्ट ही नहीं शो कर पाएगी. उसका इफेक्ट क्या है, आपकी फॉर्मुलेशन को स्पॉइल होने से बचाना. ठीक है, यू आर एडिंग अ प्रिजर्वेटिव एंड इट इज नॉट गेटिंग प्रॉपरली पार्टीशन बिटवीन द टू फेजेस, देन इट विल नॉट शो इट्स एफिकेसी. ठीक है, नेक्स्ट प्रिडिक्शन ऑफ इन वीवो ड्रग एब्जॉर्प्शन. आपकी ड्रग एब्जॉर्प्शन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरी ड्रग ने ल्यूमन में वाटर में सॉलुबलाइज होना है और उसको अब्जॉर्ब होने के लिए इट हैज टू क्रॉस योर लिपिड बैरियर. ठीक है, वाटर से लिपिड बैरियर में उसको क्रॉस होना है, एंड अगेन इट हैज टू पार्टीशन इटसेल्फ टू योर ब्लड, जो कि अगेन आपका वाटर फेस में. तो वहाँ पे आपका पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. इफ़ यू वांट टू प्रिडिक्ट द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम ऑइंटमेंट एंड क्रीम, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट, यूज्ड इन पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर. पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल ही पार्टीशन कोफिशिएंट पे, वहाँ आपके डिफरेंट फेजेस में आपका सोल्यूट, आपका कंपोनेंट कैसे पार्टीशन होता है, ऑन दैट बेसिस इट इज गेटिंग सेपरेटेड इन योर क्रोमैटोग्राफी. तो ये एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे इफ यू नो द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ योर ड्रग इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, यू कैन प्रिडिक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर ड्रग. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट, इट इज अ वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट, वी रिक्वायर ब्यूरेट एंड अ ब्यूरेट स्टैंड. ठीक है, ग्रेजुएटेड पिपेट सेट चाहिए हमें, 1 ml, 2 ml, 5 or 10 ml का. देन वी रिक्वायर अ कॉनिकल फ्लास्क, ग्लास टॉपर्ड बॉटल्स चाहिए हमें, थर्मामीटर चाहिए. केमिकल्स में वी रिक्वायर टॉलुइन, बेंजोइक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनोफ्थलिन इंडिकेटर, एंड यस वी रिक्वायर डिस्टिल्ड वाटर. यहाँ हमारी ड्रग है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज माई ड्रग, एंड आई विल फाइंड इट्स पार्टीशन कोएफिशिएंट इन टॉलुइन एंड वाटर सिस्टम. टॉलुइन एंड वाटर आर इनमिसिबल इन वन अनदर, ये एक दूसरे में इनमिसिबल है. आई विल फाइंड आउट हाउ माई बेंजोइक एसिड विल पार्टीशन बिटवीन दीज टू यू नो इनमिसिबल लिक्विड्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी यूज टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ योर बेंजोइक एसिड. टाइट्रेशन करोगे, वहाँ पे टाइट्रेटिंग एजेंट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने दो डिफरेंट मोलैरिटीज का बना लेना है, एंड आई विल नॉट शेयर हाउ यू विल प्रिपेयर दीज टू डिफरेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. एक होगा 0.1 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होगा 0.05 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड. आई एक्सपेक्ट आपको आइडिया है हाउ यू विल प्रिपेयर 0.1 and 0.05 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड. This solution, the standard solutions will be used to titrate this sample containing benzoic acid, जिससे आप benzoic acid की amount find out करें. Phenolphthalein will be used as an indicator. Titration कर रहे हो तो कोई ना कोई indicator आप डालोगे, here we will use phenolphthalein. ठीक है बच्चे, so coming to the procedure, we will clean all the apparatus which will be used in the experiment. इस एक्सपेरिमेंट में जो भी अपरेटस यूज होगा उसको हम क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे वाटर से और ड्राई करें. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हियर इज प्रिपरेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन टॉलुइन. बेंजोइक एसिड को टॉलुइन में सॉल्युबलाइज करोगे और उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे. आई होप यू पीपल remember how do we prepare a saturated solution. First experiment, saturated solution हमने कैसे बनाया था, we took a fixed quantity of toluene, toluene की fixed quantity ली. यहाँ मैंने yellow color से mark किया है our toluene. ठीक है बच्चे, toluene मैंने अपनी flask में डाला. Slowly I will add few small quantity of benzoic acid. I will stir this stirrer over here. ठीक है, वो dissolve हो जाएगा. Again I will add more of benzoic acid. I will solubilize it.
Then again, I will add more benzoic acid. I will keep on adding benzoic acid till a point is reached when small quantity of benzoic acid settles at the base. Thoda thoda benzoic acid niche settle hona start ho gaya. I will provide sufficient time to attain equilibrium. Usko main sufficient time dungi taki wo equilibrium attain kar le. After that, I will filter out the undissolved benzoic acid, and what I will get? I will get a saturated solution of benzoic acid. In the first practical, we have discussed the precautions which we need to take while preparing the solution, while filtration. Sab humne discuss kiya hai. If you find any trouble, just again revisit that practical. So the first step here is the preparation of saturated solution of benzoic acid. Humne benzoic acid ka saturated solution bana diya. Next, ye mera saturated solution tha benzoic acid ka. What I did, I took three more flask. मेरे पास तीन और flask आ गई. 1, 2, and 3. In these three flask, I added 30 ml. इस वाली flask में से 30 ml निकाल के मैंने यहाँ पे डाल दिया, 30 मैंने यहाँ पे डाल दिया, 30 मैंने यहाँ पे डाल दिया. मैंने divide कर दिया अपना saturated benzoic acid in three flask. Why I have taken three flask? ताकि मैं अपनी reading three times repeat कर सकूँ. अगर फर्स्ट फ्लास्क में कोई एरर आ जाती है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, मेरी कोई क्वांटिटी ऊपर नीचे हो गई, मैंने सफिशिएंट टाइम नहीं दिया प्रॉपरली, वो बना नहीं, देन आई कैन यू नो रिलाई ऑन द अदर टू फ्लास्क जहाँ से मैं रीडिंग्स ले सकती हूँ. सिंगल रीडिंग विल ऑलवेज बी एरर प्रोन. इफ आई वॉन्ट टू रिड्यूस द एरर इन माई कॉम्पिटिशन, आई विल जस्ट सिंपली इंक्रीज माई एन नंबर, जिसको हम कह देते हैं हाउ मेनी टाइम्स वी रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट. Here, I divided my toluene, a saturated solution of benzoic acid in toluene in three different flasks. Next, मैंने क्या किया? हर flask में, now I am having 30 ml of toluene. I have added हर flask में 100 ml of water. I have shown this blue color as water. ये मेरा blue color water है. As toluene is lighter than water, जैसे ही आप water उसमें डालोगे, water नीचे settle हो जाएगा, toluene ऊपर चला जाएगा. So I have three different flasks, जिसमें 30 ml मेरा toluene है and 100 ml मेरा water है. What I will do? मैं घंटे के लिए उसको थोड़े थोड़ी देर के बाद stir करूँगी and again I will keep it there ताकि वो separate हो. फिर I will stir, फिर I will keep it on the shelf. I will provide 1 hour for the benzoic acid to you know distribute between the two phases और वो equilibrium attain कर. ठीक है बच्चे, नाउ आई हैव थ्री डिफरेंट फ्लास्क विद टोलोइन एंड वाटर कंटेनिंग माय ड्रग, जिसका मैंने पार्टीशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना था. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये मेरी वो फ्लास्क है, ये मैं फर्स्ट फ्लास्क के लिए रिपीट कर सारा प्रोसेस आपको बताऊंगी. यू विल रिपीट द प्रोसेस फॉर सेकेंड एंड थर्ड फ्लास्क सिमिलर. सो दिस इज माई फ्लास्क इन विच आई हैव 30 ml ऑफ टोलोइन एंड 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है, घंटे बाद मैंने थोड़ा उसको टाइम प्रोवाइड किया ताकि डिस्टिंक्ट लेयर्स दोनों की बन जाए. व्हाट आई विल डू, आई विल पिप इट आउट. फर्स्ट आई विल टेक द टोलोइन लेयर, सबसे पहले मैं टोलोइन लेयर के साथ हट करूँगी. आई विल पिप इट आउट 5 ml ऑफ टोलोइन फ्रॉम दिस. इसमें से 5 ml मैंने टोलोइन पिप इट आउट किया. आई विल एड फ्रेश वाटर इन टू इट. कितना? 25 ml ऑफ फ्रेश वाटर. आई विल नॉट यूज दिस वाटर, ये वाला वाटर नहीं, फ्रेश वाटर मैं उसमें ऐड करूंगी. नाउ माई न्यू फ्लास्क विल हैव टोलुइन एंड वाटर इन टू इट. आई विल एड 2 drops ऑफ फिनोप्थिलीन. आई एक्सपेक्ट यू पीपल नो हाउ टू यू नो सेट अप योर टाइट्रेशन असेंबली. आप ब्यूरेट लगाते हो, ब्यूरेट में आप अपना टाइट्रेटिंग एजेंट डालते हो, नीचे आपकी फ्लास्क होती है. सो इन माई ब्यूरेट आई एम हैविंग 0.1 molar NaOH, जो मैंने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड बनाया था. यूजिंग 0.1 molar NaOH, आई विल स्टार्ट माई टाइट्रेशन विद दिस पर्टिकुलर फ्लास्क. ये फ्लास्क से मैं अपनी टाइट्रेशन स्टार्ट करूँगी, जिसमें 5 ml टोलोइन है और 25 ml मेरा न्यू डिस्टिल्ड वाटर है प्लस 2 drops ऑफ फिनोप्थिलीन. आई विल स्टार्ट माई टाइट्रेशन. नीचे ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ये कलर्स मैंने सिर्फ यूज किए हैं टू शो यू कि टोलोइन कहाँ है, वाटर कहाँ है. अदरवाइज द सिस्टम इज ट्रांसपेरेंट. ठीक है,
ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसमें आप जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे आपका पिंक की तरफ सोल्यूशन मूव करना स्टार्ट करेगा. योर एंड पॉइंट विल बी द पॉइंट व्हेन दिस पिंक कलर अपीयर्स इन योर फ्लास्क. दिस इज अबव योर एंड पॉइंट, है ना. जैसे ही एंड पॉइंट आ जाएगा यू विल नोट डाउन स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया डालना वॉल्यूम एंड एट एंड पॉइंट व्हाट्स द वॉल्यूम. यू विल नोट डाउन दीज टू वॉल्यूम्स फॉर योर फर्स्ट फ्लास्क. सिमिलरली यू विल नोट डाउन दीज टू वॉल्यूम्स फॉर योर सेकेंड फ्लास्क. सिमिलर ट्रीटमेंट आपकी थर्ड फ्लास्क टॉलोइन लेयर के लिए होगा. नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आपने टॉलोइन लेयर के साथ अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया. यू विल टेक 10 ml ऑफ नाउ द वॉटर के. आपने बेंजोइक एसिड टॉलोइन में कितना है वो फाइंड आउट कर दिया यूजिंग योर टाइट्रेशन मेथड. अब आपने फाइंड आउट करना है कि इस वॉटर लेयर में कितना है आपका बेंजोइक एसिड. वॉट यू विल डू, यू विल टेक 10 ml ऑफ योर वॉटर लेयर, उसको एक न्यू फ्लास्क में डालोगे, उसमें 5 drops ऑफ फिनोप्थलिन डाल दोगे एंड यू विल टाइट्रेट दिस फ्लास्क. इस फ्लास्क को आप टाइट्रेट करना स्टार्ट करोगे 0.05 molar NaOH. ठीक है बच्चे, उसी तरह से आपका एंड पॉइंट आएगा. यू विल नोट डाउन द स्टार्टिंग इनिशियल रीडिंग एंड द फाइनल रीडिंग ऑफ योर टाइट्रेशन. ठीक है, फॉर फ्लास्क नंबर 1, फॉर फ्लास्क नंबर 2, फॉर फ्लास्क नंबर 3 उसकी वॉटर लेयर. सो यू हैव 6 different टाइट्रेशन. 3 टाइट्रेशन आपकी टॉलोइन लेयर की थी, 3 टाइट्रेशन आपकी एक्वस लेयर की है. वाई डिफरेंट मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज हेयर इन आर एक्वस लेयर एंड योर टॉलोइन लेयर. वो इसलिए बच्चे क्योंकि बेंजोइक एसिड की सॉल्युबिलिटी इन टॉलोइन इज मोर एज कम्पेयर टू इन वॉटर. सो मोर ऑफ बेंजोइक एसिड विल बी प्रेजेंट इन योर टॉलोइन लेयर. तो उसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं 0.1 molar NaOH से, स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन से, है ना, हायर स्ट्रेंथ वाले सोल्यूशन से. और जो एक्वस लेयर जहां हमें पता है लेसर अमाउंट ऑफ टॉलोइन विल सॉरी बेंजोइक एसिड विल बी प्रेजेंट, दैट वाज टाइट्रेटेड यूजिंग अ वीकर स्टैंडर्ड, दैट इज 0.05 molar, जिसकी मोलैरिटी कम है एज कम्पेयर टू द अदर वन. उससे हम टाइट्रेशन करें ताकि हमें कुछ रिकॉर्डेबल वैल्यू यूज हो, मतलब आपको कुछ रिकॉर्डेबल ml एटलीस्ट मिल जाए जिससे आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करो. अदरवाइज क्या होगा, अगर 0.1 ही यूज करोगे यहाँ पे तो हो सकता है 1 drop डालते ही आपका एंड पॉइंट आ जाए, है ना. दैट्स व्हाई वी रिड्यूस द मोलैरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर द एक्वस लेयर. सो इन ऑब्जर्वेशन नाउ आई हैव फॉर टॉलोइन लेयर आई हैव 3 flasks. 5 ml मैंने टॉलोइन ली थी, इनिशियल रीडिंग आ गई, फाइनल रीडिंग आ गई. इन दोनों को माइनस करके आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar NaOH कितना यूज हुआ. Similarly, for the aqueous layer, 10 ml aqueous layer li, initial and final reading aa gayi, I will get the volume of 0.05 molar NaOH kitna mera use hua. In tino ko main average nikal sakti hu yahan pe, plus karke divided by 3. This is done basically to reduce the error in my computation. In tino ko main add karke average nikal sakti hu. Theek hai bache? Now the calculations. राजे माइक किसी का ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. कैलकुलेशंस क्या है बच्चे, क्या रिएक्शन हो रहा है ड्यूरिंग टाइट्रेशन. मेरा बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है विद माय NaOH टू गिव सोडियम बेंजोएट. दैट मींस 1 mole ऑफ बेंजोइक एसिड इज रिएक्टिंग विद 1 mole ऑफ NaOH. ठीक है, टू गिव 1 mole ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड वॉटर. सो फॉर एक्वस लेयर हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2. लेट्स अज्यूम दिस इज फॉर NaOH एंड दिस इज फॉर माय बेंजोइक एसिड. ठीक है, NaOH की मोलैरिटी मुझे पता है, फॉर एक्वस लेयर मैंने यूज की थी 0.05. ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम कितनी यूज हुई है NaOH की वो मुझे पीछे एवरेज मैंने कैलकुलेट की है वहां से मिल गई है मुझे. सो आई विल नॉट मार्क एक्स ओवर हियर, इंस्टेड ऑफ दैट आई विल राइट फॉर एग्जांपल मेरी आ रही है 3.2. फॉर एग्जांपल एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रही हूँ मैं यहाँ पे 3.2, सो दैट यू डोंट कंफ्यूज विद दैट एक्स जो हमने फाइंड आउट करना. ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम जो मुझे टेबल से मिली एवरेज वैल्यू. ठीक है बच्चे, इक्वल टू M2, molarity of benzoic acid which I want to find out, I will mark it X.
मल्टीप्लाइड बाय कितनी वॉल्यूम है बेंजोइक एसिड सैंपल की, कितनी वॉल्यूम यूज की थी आपने फाइंड आउट करने के लिए. वी हैव यूज इन एक्वस फेज वी हैव यूज 10 ml. सो माय एक्स विल बी इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाइड विद 3.2 डिवाइडेड बाय 10. यू विल गेट सम वैल्यू. व्हाट यू विल गेट, लेट्स अज्यूम दिस इज योर मोलैरिटी of benzoic acid in your aqueous layer. In similar terms, you will find out for toluene layer, you will use the same formula, M1B1 is equal to M2B2. This is for your NaOH and this is for your benzoic acid. ठीक है बच्चे, कितने मोलर NaOH यूज किया था यहाँ हमने, 0.1 मोलर. मल्टीप्लाइड बाय क्या वॉल्यूम यूज हुई है, लेट्स अज्यूम आई गॉट 9.2 ओवर हियर. ये वॉल्यूम मुझे मिली थी लास्ट जो टेबल था हमारे पास, ठीक है, टाइट्रेशन में जो एवरेज करके मिली है. एम टू आई विल हैव टू फाइंड आउट मल्टीप्लाइड बाय क्या वॉल्यूम यूज की थी हमने सैंपल की, 5 ml. सो हियर माय मोलैरिटी ऑफ बेंजोइक एसिड इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 9.2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है. सो आई एम गेटिंग समवट 0.0184 ओवर हियर. These are arbitrary values. आप ये change हो सकती हैं depending upon आपका क्या experiment था, आपने कैसे perform किया, ठीक है. So now I have molarity of benzoic acid in aqueous layer, molarity of benzoic acid in the organic phase. तो मेरा next step क्या है, मुझे calculate करना है partition coefficient. My partition coefficient will be क्या concentration थी in the organic phase over my aqueous phase. The organic phase में क्या है, 0.184 divided by 0.016, ठीक है. I will get some value that will be the partition coefficient of my benzoic acid, ठीक है बच्चे. So you will report your results in this form. The partition coefficient of benzoic acid between toluene and water layer is this. At क्या टेम्परेचर है वो हम जनरली 25 डिग्री ले रहे हैं हमारी कैलकुलेशंस में, अदरवाइज इन लैब यू विल रिपोर्ट दैट टेम्परेचर, ठीक है. नेक्स्ट यू विल रिपोर्ट द सोर्सेस ऑफ एरर. ये मैंने आपको लिमिटेशंस में भी डिस्कस किए हैं, आई हैव रिटन 3, यू कैन ऐड मोर डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग. मैंने लिखा है यूज ऑफ इम्प्योर रिएजेंट्स. मेरे रिएजेंट्स इम्प्योर थे, मेरा टॉलोइंग इम्प्योर था, वाटर इम्प्योर था, या मेरा बेंजोइक एसिड इम्प्योर था. एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन, जो कि बहुत कॉमनली हम लोग इनकाउंटर करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सफिशियंट टाइम वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू सैम्पल टू अटेन इक्विलिब्रियम. वो एक घंटा सफिशियंट नहीं था इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बिटवीन द टू फेजेस. दैट कैन ऐड टू योर एरर्स. दिस इज योर रेफरेंस अगेन, मार्टिन सॉल्युबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिनल, जो हमने फर्स्ट मॉडल किया है उसी के अंदर आपका पार्टीशन का कोएफिशिएंट आता है. यू कैन रेफर दैट बुक. थैंक यू सो मच.